फरीदाबाद में बृहस्पतिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात सेक्टर 9 स्थित PHC जिम के बाहर की है, जहां वे प्रतिदिन एक्सरसाइज करने के लिए आते थे। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी को अज्ञात बदमाशों ने उस समय गोली मार दी जब वे जिम में एक्सरसाइज करने आने की घड़ी में अपनी गाड़ी से उतरने ही वाले थे। उन्हें तुरंत ही सेक्टर 9 के कुछ दुकानदारों के सहयोग से सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सर्वोदय अस्पताल में ACP जयवीर राठी ने विकास चौधरी की मौत की पुष्टि की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को घटना स्थल पर 12 गोलियों के खोखे मिले हैं। जब विकास प्रतिदिन की तरह सेक्टर 9 की हुड्डा मार्केट में PHC में जिम करने पहुंचे थे, जैसे ही विकास अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरे और पानी की बोतल हाथ में ली, वैसे ही हमलावरों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। विकास पर करीब 12 से 15 गोलियां दागी गई। गोलियां दो हमलावरों ने चलाई, एक ने चालक की तरफ से तो दूसरे ने दूसरी तरफ से। चालक विकास खुद थे और उनके साथ कोई नहीं था, इसलिए उनकी गर्दन छाती पर सीधा गोली लगी। दूसरी तरफ कार के शीशों में 4 गोलियां लगी हैं। हमलावर सफेद रंग की XS4 गाड़ी में आए थे। CCTV कैमरे के फुटेज में हमलावर दिखाई दे रहे हैं। त्रितला गांव के नवीन सिंह गंभीर घायल अवस्था में विकास को सेक्टर 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने विकास को मृत घोषित कर दिया। विकास का शव पोस्टमार्टम के लिए BK अस्पताल भेजा गया। DCP जयवीर राठी ने विकास चौधरी पर हुए हमले के बारे में बताया कि गर्दन में गोली लगी है, बाद में संभवतः विकास की मौके पर ही मौत हो गई। जिस तरह फायरिंग करके कांग्रेस नेता विकास चौधरी को मौत के घाट उतारा गया, उससे लगता है कि हत्या की साजिश काफी पहले से ही रची गई थी। इतना ही नहीं, इसके लिए रेकी भी की गई होगी, क्योंकि विकास चौधरी के जिम आने और फिर गाड़ी से उतरने की बात फायरिंग करने वालों को पहले से मालूम थी। पुलिस जिम के बाहर लगे CCTV कैमरों की मदद से अज्ञात हमलावरों की पहचान में जुट गई है। इसके अलावा पुलिस की कई टीमें भी हमलावरों की तलाश के लिए बनाई गई है। गौरतलब है कि विकास चौधरी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के गुट में थे। कुछ वर्ष पहले तक इनेलो में थे और जब उन्हें फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट नहीं दी, तो इनेलो छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे।